हे गाइस, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्सर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे एक कमेंट बार बार आते हैं कि भाई यार, मेरी जो बंदी है ना, वो मेरी वैल्यू नहीं करती। ठीक है, वो मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करती, मेरे प्यार की कदर नहीं करती, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और सेम क्वेश्चन लड़की की तरफ से भी आता है कि मेरा जो बंदा है वो मेरी वैल्यू नहीं करता, मेरे प्यार की कदर नहीं करता, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, उसके सामने प्यार से पेश आया, उसे समझाने की कोशिश की, उसके सामने रोया, उसके सामने गिड़गिड़ाया, मतलब हर चीज़ करके देख ली, पर सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सामने वाला जैसे मेरी वैल्यू पहले नहीं करता था, अभी भी नहीं करता, चाहे उसके सामने कुछ भी कर लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो या कुछ भी कर लो। तो ऐसे में क्या करें कि सामने वाला ना हमारी वैल्यू करे और हमारी वैल्यू वो पहचाने कि हम भी उसके लाइफ में कुछ है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपकी जो बंदी है या आपका जो बंदा है, ठीक है, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करता है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन खुद से पूछनी है कि वो जो लड़की है या वो जो लड़का है वो आपकी वैल्यू कितने दिनों से नहीं कर रहा, आपको ऐसा कब से फील हो रहा है। अगर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब आप दोनों ना रिलेशनशिप में हो एक दो साल के लिए, पर दो तीन दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो हो सकता है इसमें कि अभी राइट नाउ हो सकता है कि उस लड़की के पास या उस लड़के के पास कुछ काम आ गया हो, जिसके वजह से वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया होगा और वो ना आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सामने वाले के पास मेरे लिए टाइम नहीं है और इसी वजह से आपको लगता होगा कि वो मेरी वैल्यू नहीं करता। अगर आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म वाली है, ठीक है, तो आप कुछ टाइम तक वेट करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर अब बात करते हैं कि आपकी जो पार्टनर है या फिर आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो दो चार साल पुरानी है, ठीक है, और आप ना इस प्रॉब्लम को लगभग महीने दो महीने से फेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, महीने दो महीने से कि आपकी जो पार्टनर या आपका जो पार्टनर है वो आपकी बिल्कुल कदर नहीं करता। आपने उसे अच्छे से समझा के देख लिया, आप उसे प्यार से समझा के देख लेते हो, आप उसके सामने रो लेते हो, गिड़गिड़ा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, पर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको वापस से दो क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। पहला, कि क्या उसे आपका प्यार समझ नहीं आ रहा, या दूसरा, क्या वो आपका प्यार समझना ही नहीं चाहता। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन वन की बात करते हैं कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पाता, तो आप थोड़ा टाइम दो, उसको अपना प्यार समझाने की कोशिश करो। ठीक है, पर जिस दिन आपको ये लग जाए ना कि सामने वाला आपका प्यार समझना ही नहीं चाहता, ठीक है, आप उसके सामने कितना भी प्यार दिखाने की कोशिश कर लो, कितना भी उसके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, पर सामने वाला ना आपका प्यार समझना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा कि फिर उसके तरफ कभी देखना भी मत। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसे आपका प्यार समझ नहीं आ रहा तो आप एक पल को उसको समझा लोगे, पर कोई इंसान आपका प्यार नहीं समझना चाहता तो अगर आप उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे ना, तो इससे आपकी वैल्यू और डाउन होती है। और ये चीज़ ना आप जितनी जल्दी समझ लो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भाई पता है क्या होता है, आपने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि कोई लड़की है, उसे आपका प्यार बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक है, उसे आप कितना भी प्यार से समझा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आपका प्यार ना उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है, और आप जितना ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे ना, वो लड़की आपको और उतना ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला ना आपके प्यार को समझना ही नहीं चाहता, तो आप ज़बरदस्ती उससे प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर सामने वाला आपके प्यार को नहीं समझ रहा तो आप एक बार ट्राई करके देखो, शायद वो समझ जाए। लेकिन जिस दिन आपको ऐसा फील हो जाए कि सामने वाला ना आपका प्यार बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता, उस दिन के बाद कभी उसके तरफ देखना भी मत। ठीक है, सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और मेरी बात आपको लॉजिकल लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।